अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट सेवन और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर से पहले ही गो नवाज गो का नारा लगा दिया, पीपल्स पार्टी की डेडलाइन डेड हो गई। वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, मरियम नवाज वजीर आजम की जेर कफालत हैं या नहीं, वजीर आजम ने अपनी तकरीरों में सच बताया या नहीं। पनामा लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल उठा दिए, अदालत को मुतमईन करने के लिए क्या जवाब दिया जाएगा। और शरीफ खानदान की पनामा लीक्स केस की रोजाना समाअत की दरख्वास्त, इमरान खान की जल्द अज जल्द फैसले की अपील, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही जल्दी में हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब से पनामा केस का आगाज हुआ है, लग यूं रहा है कि एक ही केस दो जगह पर लड़ा जा रहा है, एक अदालत में दूसरा अदालत के बाहर। हर समात पर पहले वकला अदालत में दलाइल देते हैं, फिर अदालत के बाहर लीडरान बरसते हैं, दोनों ही जगह इल्जाम की बारिश होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुतनाज़े दलील पर वकला को टोकने के लिए जजेस मौजूद हैं, लेकिन अदालत के बाहर लीडरान पर इस किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है, इसलिए यहाँ जिसका जो दिल चाहता है बोलकर चला जाता है, फिर चाहे वो हुकूमती वुजरा हो या ऑपोजिशन लीडरान। आज ही की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ खानदान के सामने 3 सवाल रखे हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, मरियम नवाज वजीर आजम की जेर कफालत हैं या नहीं, वजीर आजम ने अपनी तकरीरों में सच बताया है या फिर नहीं। ये वो सवाल हैं जो आज अदालत की जानिब से उठाए गए, जिनका जवाब अब शरीफ खानदान के वकला को देना है। ये था अदालती मामला, अब जरा सियासी मामला मुलाहिजा फरमाएं। सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब ने भी मीडिया के सामने अपने कुछ सवाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि उन्होंने शरीफ खानदान के बजाय खुद ही उनका जवाब दे डाला। इमरान खान ने सवाल उठाया कि शरीफ खानदान ने बैरून मुल्क दौलत कैसे बनाई, हुसैन नवाज ने 76 करोड़ वालिद को दिए तो ये पैसा कहाँ से आया। फिर इन सवालों के जवाब में खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम लगाए हैं और केस के जल्द अज जल्द फैसले की अपील की है। खान साहब की इस गुफ्तगू के कुछ हिस्से सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। सारा मुल्क 8 महीने से ये पनामा में फंसा हुआ है और मियां साहब ने और इफ्तिताह शुरू कर देने हैं, पता नहीं कितनी और अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की और सड़कें बना देंगे, पुल बना देंगे इसी प्रेशर के अंदर, और पता नहीं किसी और को डोनाल्ड ट्रंप को ही ना बुला लें यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आज़ाद किया जाए ये पनामा स्कैंडल से, और यही बेंच हेयरिंग करे। अब तो इनकी रह गई है, इनका जवाब रह गया है, और उसके बाद हमारी एक छोटी सी रिबटल है, बेंच फैसला कर दे और मुल्क आगे बढ़े। खान साहब के शिकवे शिकायत आपने सुने, सिर्फ पीटीआई ही नहीं हुकूमत भी इस केस का जल्द अज जल्द फैसला चाहती है, इसीलिए आज शरीफ खानदान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें अदालत से रोजाना की बुनियाद पर पनामा केस की समाअत की सिफारिश की गई है, गुजारिश की गई है, क्योंकि हुकूमती वुजरा के ख्याल में इन तिलों में तेल नहीं बस राई का पहाड़ ही है जो कि बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमाओं ने की जो गुफ्तगू थी वो क्या थी, पहले आपको ये बताते हैं। फिर वही पुरानी दलीलें, मेरा ख्याल है इमरान साहब सबको चाहिए कि अब एक और नया वकील कर लें, क्योंकि इनकी तो फिर दोबारा जो दलीलें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। इन तिलों में तेल नहीं है, ये जितनी कोशिश कर लें ये अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, और आइंदा भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये थी आज पनामा लीक्स की सियासी गहमा गहमी, अब जरा कुछ कानूनी पहलू भी हैं, उन पर भी नजर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने आज शरीफ खानदान के वकला पर वाजे किया है कि जायदाद की मलकियत तस्लीम करने के बाद सबूत फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है, साथ ही ये भी बताया है कि कमीशन के कयाम का ऑप्शन अब खुला है, अगर अदालत को लगा कि कमीशन के बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो कमीशन भी बनाया जा सकता है। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं क्योंकि पिछली 4 समातों से लग यूं रहा था कि शायद कमीशन के कयाम की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पनामा लीक्स पर नैब एफआईए एफबीआर ने कुछ नहीं किया, जब अदालत ने देखा कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो मामला हाथ में लिया, इदारे कौमी खजाने पर बोझ बन गए हैं, अगर उन्हें काम नहीं करना तो उन्हें बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, आज पनामा केस पूरी कार्रवाई बहुत अहम है और इसी कार्रवाई पर इसके जो कानूनी पहलू हैं हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम का ये पहला सेगमेंट, इस पर बात होगी, लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट सेवन।
वेलकम बैक। पैनामा लीक्स केस की समाअत, हुकूमत और अपोजिशन के जो बयानात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर कानून और तजियाकार लियाकत शेवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक आज हम अदालत के जो रिमार्क्स देख रहे हैं बहुत सख्त हैं। चीफ जस्टिस ने आज नैब है, FBR है, FIA है, इन तमाम इदारों को कौमी खजाने पर बोझ करार दिया है। पैनामा लीक्स के मामले में इन इदारों की जो कारकर्दगी है वो सवालिया निशान क्यों बनी हुई नजर आती है? वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात में कहा जाता है कि ठीक है इन इदारों पर दबाव होगा, लेकिन बाकी भी और भी लोग हैं जिनके नाम हैं इसके अंदर, किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं नजर आती? देखिए, इन इदारों ने तो खुद भी जो है ना अपने तौर पे बयान दे दिया था कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है और इस तरह के कानून भी नहीं है जिनके तहत जो है हम पैनामा के तमाम जो केसेस हैं उनको प्रोब कर सकें। तो इन्होंने तो पहले ही माजरत कर दिया था, आपको याद होगा, कोई 2 माह कबल इन तमाम इदारों ने। और दूसरा जो हमें समझ आता है कि इन इदारों के जो ऑफिसर्स हैं, अब देखिए 199 ममालिक में 166वें पे करप्शन के हवाले से पाकिस्तान आया, तो जाहिर है ये इदारे जो है ना इन करप्शन में होते हैं, किक बैक्स में मुलविस होते हैं, तो वो करप्शन को मिटिगेट करने की एलिमिनेट करने के लिए ये इदारे जो है ना इनका कभी भी ये कोशिश नहीं होगा। आप खुद जानते हैं कि FIA में जो है ना दीगर सूबों के ऑफिसर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो डेपुटेशन पे आ जाते हैं, अपने महकमे छोड़ के घर छोड़कर यहाँ पर आते हैं। FIA में डेपुटेशन का मकसद क्या हो सकता है? पैसा। तो इन इदारों के जो है ना अपने ही जो है ना अंदरूनी सर्कल्स में जो है ना करप्शन के हवाले से हमेशा शिकवे शिकायतें रही हैं जी। सिस्टम कोई इनका इस तरह प्रॉपर नहीं है, यही वजह है कि ये इदारे जो है ना वो नहीं है। और एक बात आपने खुद ही बता दिया कि समंदर में रहते हुए मगरमच्छ से कोई दुश्मनी नहीं लेता। इन इदारों के सरबराह ऑफिसर्स वो जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना बला जो है इतने बड़े जोखम जो है ना। ठीक है शिवानी साहब, हम जरा अदालती कार्रवाई की तरफ आ जाएं। अगर वो बात करें, शरीफ खानदान के वकला के सामने आज अदालत ने 3 सवाल रखे। वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, मरियम नवाज वजीर आजम की जेरे कफालत हैं या नहीं, और फिर वजीर आजम ने अपनी तकरीरों में सच बताया या नहीं। अब आप कानूनी राय दीजिए और ये बताइए कि आपको लगता है कि केस सिंपल हो गया है या अब भी सूरत हाल कॉम्प्लेक्स है? देखें, अगर सवालात को आप देख लें, सवालात बिल्कुल सिंपल हैं और इनके जवाबात जो है ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लेक्स करके देगी, और कम्प्लेक्स जो है ना सिंपल सवाल का जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना मियां साहिबान के वकला की तरफ जो है ना वो पेचीदा जवाब ही आएंगे, और उन पेचीदा जवाबात में जो है मज़ीद पेचीदगी जो है ना उसकी वजह से तवालत होगा। वरना सिंपल सवाल है इनके बच्चों की कंपनियाँ कहाँ से आएँ, इनका जवाब दे दें कहाँ से आए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना शिफ्ट हो गया है आज के बाद जो है ना टेक्निकली जो है ना जुडिशियल लीगली जो है ना वो मियां साहिबान की तरफ के बच्चों के जो कंपनियां कहाँ से आए। आया मरियम नवाज जो है वो जेर किफालत थी, और तीसरा जो इन्होंने सवाल उठाया है कि जो तकारीर किए मियां साहिबान ने क्या वो सच्चा था, उसमें सच था या नहीं। ठीक है ना, अब उसके सच और झूठ को साबित करना जो है ये तो जो वकील है PTI का, जो बाकी अपोजिशन के जो वकला हैं वो साबित करेंगे, उस पर दलाइल देंगे कि इसमें सच क्या था झूठ क्या था, और अगर सच था फिर उस सच के अगेंस्ट जो है ना उनको एविडेंस देने होंगे, साबित करना होगा, कोर्ट का माइंड बनाना पड़ेगा, कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि आया वाकई ये तकारीर जो है गलत थे, और गवर्नमेंट साइड वाले वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये झूठ था। तो ये कम्प्लेक्सिटीज जो है ना ये रहेंगे, यही वजह है कि आपने देखा कि इमरान खान एक तरफ मुतमईन भी दिखाई दिए, दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब ने कह दिया कि इस पर कमीशन कायम किया जाए, और साथ में ये भी कहा कि ये बेंच जो है हमारी ख्वाहिश है यही बेंच जो है दिसंबर ठीक है महीने में शिवानी साहब अपना तजिया दे। कानूनी पहलुओं से भी हमें आगाह कर रहे थे और यही कह रहे थे कि जो पेचीदगियाँ हैं वो बढ़ेंगी, तवालत दी जा रही है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी की डेडलाइन डेड हो गई। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की लाहौर में यौम तासीस की तकरीबात का आज आखिरी रोज था। 30 सितंबर से अब तक पूरे 7 दिन चलने वाली ये तकरीबात हैं जिसमें जियालों ने खूब रंग जमाया है। चारों सूबों की सकाफत के रंग दिखाई दिए यहाँ पर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नई पीपल्स पार्टी का ऐलान किया।
पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की कोशिश की, वो मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, 27 दिसंबर की डेडलाइन दोहराते रहे और आज उन्होंने इस डेडलाइन के डेड होने से पहले ही बाकायदा गो नवाज गो का नारा लगाया। उन्होंने पार्टी का 6 माह का शेड्यूल पेश किया, पहले 3 माह गो नवाज गो तहरीक और बाकी 3 माह इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला सुनाया गया। उनका ये खिताब खास तौर पर उन्होंने क्या कहा आज, ये आपको सुनवाते हैं। अगर हम 6 महीने निकालते हैं, उस 6 महीने से 3 महीने गो नवाज गो का नारा लगाएंगे और बाकी 3 महीने इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और हमारा हुकूमत बनाएंगे, ये आप सोच सकते हैं? ये आप सोच सकते हो कि मेरा सोच में है इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और हुकूमत बनाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना, वो मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और तहरीक की धमकी दे रहे हैं, लेकिन लग यूं रहा है कि हुकूमत पर इन तमाम बयानात का कोई असर नहीं हो रहा। हुकूमती वज़रा ने अब तक बिलावल को सीरियस लिया ही नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की राबते की खबरें आई हैं। हुकूमती वज़रा बिलावल की तनकीद का जवाब देने में भी मोहतात दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? उन्होंने 27 दिसंबर की डेडलाइन के खात्मे का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों पहले ही गो नवाज गो का नारा लगवा दिया गया? और क्या बिलावल हाउस में बैठे बैठे पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल मुमकिन है? उससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 साल में सिंध में ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी बुनियाद पर वो पंजाब में बेहतरी के दावे कर रही है? इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी हमारे साथ हैं। अनवार, आपका पीपल्स पार्टी का यौम तासीस की तकरीबात जो होती रही, आज आखिरी रोज था, 7 दिन बड़ी हलचल रही है, बिलावल ने खूब तकरीरें भी की हैं, बयानात दिए गए हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब में रिवाइवल की बात हुई है, आखिरी रोज हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान भी हो गया, अभी जो 7 रोजा तकरीबात थी, इसका क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? क्या पंजाब को जगाने की जो कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपको वो मुतहरिक होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, बिलावल भुट्टो जो कि 30 नवंबर से लेके आज की डेट तक 7 दिन हो गए हैं, एक बिलावल हाउस में जो कि कलानुमा इमारत है उसके अंदर उन्होंने 7 दिन एक अच्छी बैठक लगाई, एक अच्छा शो किया, लेकिन इस 7 दिनों में वो दोबारा एक बार भूल गए कि वो बुनियादी तौर पे अपनी तंजीम को फ़ाल करने आए थे लेकिन उसको फ़ालियत की तरफ तवज्जो देने की बजाय उन्होंने एकदम कारकुनों को एक ख्वाब दिखा दिया कि 2018 में वफाक चारों सूबों में ना सिर्फ उनकी हुकूमतें होंगी बल्कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी सदर होंगे और वो खुद वज़ीर आज़म होंगे। यानी कि अभी बुनियाद रखने आए थे वो तंजीम को, वो तंजीम जो कि मुर्दा हो चुकी थी, जिसके नतायज उन्होंने 2013 के इंतखाबात में जो है वो हासिल कर लिए थे, तो ये अगले दावों की तरफ चल पड़े। तो इसको पॉलिटिकल जो हलके हैं उसको तो इस अंदाज में संजीदा नहीं लिया गया, क्योंकि ख़ास तौर पर आप देखें कि जब चारों सूबों की तंजीमों को और कारकुनों को उन्होंने इसी कलानुमा इमारत में बुलाया तो उन्हें ये कहने रोज़ाना ये कहते सुना गया कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, हालांकि वो भूल गए थे कि वो KPK बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि वो लोग इनको यहाँ पे मिलने आए हैं। तो एक ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया। दूसरा, जो आप डेडलाइन की बात कर रही हैं तो उसमें भी आप उस 4 नुकात की तरफ आएँ कि जिसके लिए वो आज जो उनका ये बयान था कि अगर 4 मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब आप देखें कि लॉन्ग मार्च होता है पब्लिक इश्यूज पे, अगर वो 4 नुकात आप सुन लें कि आसिफ अली जरदारी के दौर में एक APC हुई थी जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में एक करारदाद मंजूर की गई थी, वो उसको जिंदा करना चाहते हैं उस वक्त कि अगर वो मंजूर ना हुई तो लॉन्ग मार्च होगा। अब उसका बताएं कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक शुरू हो चुका है और एक जो है वो आजमाइशी तौर पे काफिला भी यहाँ से गुजारा जा चुका है, तो उसके लिए पब्लिक को निकालने की बात अजीब लगती है। और दूसरा मुतालबा क्या है 4 में से कि मुस्तकिल वजीर खारजा तैनात किया जाए। अब ये वजीर खारजा यकीनन तैनात होना चाहिए, तो इसके लिए सड़कों पर पब्लिक क्यों निकलेगी? और इसके अलावा दूसरे 2 मुतालबात भी ऐसे हैं कि पार्लियामेंट की, लेकिन अनवार यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 4 मुतालबात तो सामने रखे गए थे और उनको दोहराया भी जा रहा था, लेकिन उसके लिए 27 दिसंबर की डेडलाइन भी तो दी गई थी, वो डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई। क्या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के रबते नहीं हो रहे थे, संजीदा नहीं लिया जा रहा था इन मुतालबात को, यही वजह है कि उन्होंने आज बिल्कुल फाइनल अपना जो डिसीजन था वो सुना दिया?
अब देखें बिल्कुल हुकूमत यकीनन अब इसकी एक लंबी बहस हो सकती है कि बिलावल जब पीपल्स पार्टी को पंजाब में किस हद तक संजीदा लिया जा रहा है। एक पिछले प्रोग्राम में भी हम इसका एक थोड़ा सा जायजा पेश कर चुके थे कि नून लीग को पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जो फाल होना है वो किसी हद तक 2018 के इंतखाबात में सूट करता है। वो दोबारा पीटीआई की वोट काटेगी और बैलेंस नून लीग फिर फायदा उठा जाएगी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि नून लीग ये तवक्को कर रही थी कि बिलावल जब मूव करेगा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और मुख्तलिफ जो इंतखाबी धड़े होते हैं जो कि इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं उनको आपस में पार्टी में शमूलियत के लिए कोशिशें करेगा तो वो भी उनको जीरो जब रिजल्ट आया तो हुकूमत अभी इस दौरे को तो फिलहाल बिलावल को उस तरह संजीदा नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर, पीपल्स पार्टी की गो नवाज गो तहरीक का अंजाम जो भी हो इसके मकासद निहायत वाजे हैं। बिलावल पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और आम इंतखाबात के लिए पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक देखना चाहते हैं ताकि नवाज लीग को टफ टाइम दिया जा सके। आज का ये प्रोग्राम मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।